तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपको नहीं पता है कि किस तरह से आप अपने चैनल को मैनेज करें, किस तरह से टैग लगाएं, टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें और किस तरह से थंबनेल क्रिएट करके थंबनेल लगाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में आपके लिए एक फ़ीचर मिलता है क्रिएटर स्टूडियो में, वहाँ पर आपको एक फ़ीचर मिलता है जिसकी मदद से आप अपने लिए फ्री में मैनेजर हायर कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, अलग अलग तरह की आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ये जो फ़ीचर है ये एक्चुअल में पहले से यूट्यूब में था या फिर अभी नया जुड़ा है, ये मुझे इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही इस फीचर पे मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा कि किस तरह से काम करता है। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। उसके अलावा एक और बात, अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे मेरी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि किस तरह से आप अपने चैनल के लिए मैनेजर हायर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब पेज पर, मेन होम पेज पर। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, अपने अकाउंट आइकन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको चले जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये बेसिकली मेरा एक दूसरा अकाउंट है जो मैं पहले चलाता था, तो यहाँ पे मैं इस अकाउंट में एक मैनेजर हायर करने वाला हूँ और वो मैनेजर मैं हायर करूँगा इस चैनल के अकाउंट को, जो कि आप जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं, जनरल, चैनल अपलोड, डिफॉल्ट, परमिशंस, कम्युनिटी और एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे एक परमिशंस का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो चैनल है इसका ओनर ये है, यहाँ पे आप एक्सेस देख सकते हैं कि ये ओनर है, तो इसके पास फुल एक्सेस है इस चैनल की। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ के लिए मैनेजर हायर करना है, तो यहाँ पे आपको इनवाइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जिसे आप अपना मैनेजर हायर करना चाहते हैं, सिंपली उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। मैं ईमेल आईडी डाल लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी इनपुट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सेस का, तो आप एक्सेस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए, बेसिकली कि आप अपने चैनल के लिए क्या चाहते हो, यानी कि आप एक मैनेजर हायर करना चाहते हो, एक एडिटर हायर करना चाहते हो, या फिर एक एडिटर लिमिटेड, यानी कि जो एडिटर होगा उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। उसके अलावा आपको व्यूअर और व्यूअर लिमिटेड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं, इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं, हर किसी की अलग अलग परमिशंस होती है। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको मैनेजर हायर करना सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग इन्विटेशन दिख रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि ये जो ईमेल आईडी जिसको मैंने हायर किया है, इस ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा और जब ये ईमेल आईडी का ओनर जो है वो ईमेल से इनविटेशन है उसे अप्रूव करेगा, तब जाके आपके चैनल का मैनेजर का एक्सेस उस पर्सन को मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली सेव कर देना है और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेल बॉक्स में, और जीमेल पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं यहाँ पे स्विच अकाउंट कर देता हूँ। ओके, तो इस वाले चैनल को मैंने मेल भेजी है या इनविटेशन भेजा है अपने चैनल को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेल आ चुकी ही है, इनविटेशन टू एक्सेस टैग थिंग्स, यानी कि उस चैनल को एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए। यहाँ से ऑप्शन आपको सिंपली दिख जाता है एक्सेप्ट इन्विटेशन, तो मैं इसे क्लिक कर लूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं उस वाली ईमेल आईडी से इस वाले चैनल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने इसका एक्सेस ले लिया है, यानी कि जो दूसरी वाली ईमेल आईडी का इनविटेशन था अपने चैनल को मैनेज करने के लिए वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखा देता हूँ इस चैनल में, यहाँ पे आप सेटिंग में दोबारा जाके देख सकते हैं।
अभी तक यहाँ पे परमिशन में अभी तक आपको केवल ओनर दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे जिसको मैंने मेल भेजी थी, जिस ईमेल आईडी पे या इनविटेशन भेजा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पे उसके आगे मैनेजर लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो यहीं से उसका जो मैनेजर का पद है या मैनेजर की पोस्ट है वो छीन भी सकता हूँ या उसे चेंज भी कर सकता हूँ किसी और पे, यानी कि जो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एडिटर, एडिटर लिमिट, व्यूअर और व्यूअर लिमिट पे। उसके अलावा आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि इससे एक्सेस अगर आप नहीं देना चाहते हैं, बाद में किसी वजह से आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली रिमूव एक्सेस का ऑप्शन आता है। उसके बाद ये जो पर्सन है इसके पास आपके चैनल का एक्सेस नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप फ्री में एक मैनेजर हायर कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरह से चैनल मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप अपने लिए मैनेजर हायर कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी कुछ बाउंडेशन भी रख सकते हैं कि वो क्या क्या आप उनको परमिशन देना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।